प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत दूरस्थ ग्रामों को विकास की राह पर मुख्य मार्ग से जोड़ने का तथा किसानों की फसलों को सही समय पर मंडी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई। 2001-2 में रायगढ़ से घरघोड़ा के मार्ग में गेरवानी से सरेपाली तक 7 किलोमीटर का रोड बनाया गया था जिसकी क्षमता 12 टन रखी गई थी और यह उत्तम रोड बनाया गया था, लेकिन कंपनियों की आने की वजह से आज पूरा सड़क जर्जर हालत हो चुकी है और कई एक्सीडेंट आजकल देखने को मिल रहा है। अमन ला रोड के समस्या है, चौड़ीकरण हो जाती तो ठीक रहती। अभी मोरे के लड़का की घटना होगी थी बर्फाली रोड में 29 मार्च के पूजा सामान ले बर गे रही सराई पाली वापसी आत रही सामान लेके तो महिंद्रा ट्रैक्टर हर रड ही के मनोज साहू के एकदम स्पीड में गई सोती ले डम्फर आत रही सब ठोकर मार दी और मोर लड़का की मृत्यु होगी। तो रोड इतना खराब है कि भारी मुश्किल में कभी कभी तो रात गाड़ी मोटा रात है तो रुक के जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है और इसमें भारी वाहन का जो चलन है ये शासकीय तौर पर कानूनन प्रतिबंधित है, तो 12 टन से ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन इसमें प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ 40-50 टन की गाड़ियाँ जो आ रही हैं इसके चलते जो सड़क क्षतिग्रस्त हुआ है, इसीलिए हम लोगों का मकसद था कि उद्योगों को यहाँ बुलाया जाए, इस संबंध में उनसे चर्चा किया जाए। आवागमन के लिए जो यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधा के लिए बनाया गया है वह बरकरार रहे। फैक्ट्री आएगा क्षेत्र में तो क्षेत्र का विकास होगा, इस हिसाब से एक बात चर्चा भी हुई, आके फैक्ट्री यहाँ बसे भी लगे। यहाँ कम से कम इस रोड में 4 तो बहुत बड़े इस्पंज आयरन की फैक्ट्री हैं, पावर प्लांट लगा के बैठे हैं कि रोड को बर्बाद करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और फैक्ट्री और क्षेत्र में है तो एक दूसरे के समन्वय बना रहे इस प्रकार की अपना सोच है, लेकिन वो सोच हम सफल नहीं हो रहे उस पर, क्योंकि वो मतलब फैक्ट्री मतलब पूंजीपति यार जी। अब मेरे को लगता है कि पूंजीपति ये जिला प्रशासन को पूरा खरीद के रखें जैसे लगता है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि वर्तमान कलेक्टर श्री मुकेश बंसल को 9425274165 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।